नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइव में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है सोनाली फोगाट केस को लेकर। बताते चले कि जब से सोनाली फोगाट का निधन हुआ है, जब से यशोधरा ने अपनी मां को खो दिया, उसके बाद पूरी तरीके से टूटी हुई है यशोधरा। बस लगातार अपनी मां के न्याय के लिए लगातार मांग कर रही थी। महज 15 साल की उम्र है उनकी बेटी की, लेकिन अपनी माँ को जस्टिस दिलाने के लिए काफी कुछ कर रही थी। वहीं पर बार बार ये कहने पर कि सीबीआई जांच मामले में गोवा पुलिस की जांच पड़ताल छानबीन से हम संतुष्ट नहीं है, उसके बाद जैसे तैसे करके गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने चिट्ठी लिखी और गृह मंत्रालय से आग्रह किया, जिसको गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी और सीबीआई जांच अब शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीआई की जांच तो शुरू हो गई, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट की बड़ी बहन को लेकर भी खुलासा हुआ है। आखिरकार उनकी बड़ी बहन कौन है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई थी तो कहा जा रहा था कि सोनाली फोगाट ही सिंगल है, यहाँ पर उनके कोई भाई बहन नहीं है। तो आपको बता दें कि ज्यादा डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर। सोनाली फोगाट को यशोधरा फोगाट की बड़ी बहन कोई और नहीं, यहाँ पर सुनंदा शर्मा है। जी हाँ, सिंगर सुनंदा शर्मा ही है सोनाली फोगाट की बड़ी बहन। अब आप लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार वो कैसे उनकी बड़ी बहन हो सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर सुनंदा शर्मा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, लेकिन यशोधरा फोगाट की हालत उनसे देखी नहीं जाती और वो एक बड़ी बहन की तरह यशोधरा फोगाट की मदद भी करेगी और उनका साथ भी देगी। तो बस यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है कि सुनंदा शर्मा ने अपने आप को यशोधरा की बड़ी बहन बता के उनकी मदद और उनका सहारा बनने की बात की है। तो यहाँ पर परिवार ने भी कहा कि हर एक एक्टर और एक्ट्रेस भी लगातार यशोधरा फोगाट का साथ देने के लिए सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोनाली फोगाट कोई कम नहीं थी। वो एक मल्टी टैलेंटेड लेडी थी जिनको काफी तरीकों से जाना जाता था। वो टिकटॉक फेम हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, टिकटॉक स्टार हो, या भाजपा की नेत्री, या फिर हरियाणा में अलग अलग सीरियल्स और म्यूजिक वीडियोज करने वाली एक्ट्रेस हो। तो यहाँ पर सोनाली फोगाट के साथ साथ अब यशोधरा फोगाट को साथ देने के लिए सुनंदा शर्मा भी सामने आ चुके हैं। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।